हिंद ए सिंध के मशहूर सूफी बुजुर्ग हज़रत सचल सरमस रहमतुल्लाह अलैह जो 198 उर्स मुबारक जो तकरीबू जारी हैं। उर्स मुबारक जो इफ्तिताह सूबाई वजीर औकाफ खाते के फराज़ अहमद डेरो दरगाह के सजादा नशीन ख्वाजा अब्दुल हक फारूकी गुलन की चादर चाड़े इफ्तिताह कयो वियो। उर्स मुबारक में सिंध ए बलोचिस्तान के अलावा सरहद में भी हज़ारन की तादाद में अकीदतमंदन तोड़े पांधेड़न की शिरकत दरगाह के कुंवार जिया सिंगारे वो जडे त दरगाह से सिक्योरिटी का इंतजाम पिण सख्त किया वह। हज़रत सचल सरमस रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक में मुख्तलिफ़ किस्म जहा बाजार पिण लगाया वह संदस मुख्तलिफ़ किस्म जहा अदबी प्रोग्राम भी रथया वह जैमें अदबी कॉन्फ्रेंस सुघड़ कचहरी एवॉर्ड प्रोग्राम ए महफिल मौसीकी पिण थी वही जिते सिंध के नालेवार फनकार शमन अली मिराली शनीला अली सूफी फनकार शिरकत कई। हज़रत सचल सरमस रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक में सिंध के वे वजीर सैयद मुराद अली शाह पिण हाजिरी डिनी जिते गुलन की चादर चाड़े दुआ घुरी वही। हज़रत सचल सरमस रहमतुल्लाह अलैह जहा हज़ारे सूफियाना कलाम अज डी ताई मशहूर आन उनके हिंद सिंध के मशहूर फनकार जैमें लता जी आबदा परवीन मरहूम अलन फ़कीर मरहूम सुरा फ़कीर समेत सवें फनकार सूफी बुजुर्ग की शायरी के गायो है संदस पंजे पंजे अंदाज में गाय पंजो नालो रोशन कयो है। हज़रत सचल सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह जा मशहूर कलाम जैमें कुंड खोल विखाओ में आया मुख वेखणनी तन में अला मन में अला महबूब गोले दिस जड़न मशहूर कलाम शामिल आन संदस सवें फनकार गाया। हज़रत सचल सरमस रहमतुल्लाह अलैह की शायरी हिंदी सिंधी ए सराकी में मौजूद है जिते सवें की तादाद में शायरी जहा किताब पिण मार्केटन में मौजूद आन। टे डी जो जारी उर्स मुबारक में दरादा शरीफ में रात के वक्त भी डी लगल है। सनौला जामड़ो सा गड बागी सागर पवार दरादा शरीफ रानीपुर गंबट सियासी बुनियाद थी उनकी मर्जी थी, ये हुकूमत का प्रेरोगेटिव था। यहाँ पे भी हमने वो कानून लाए जिसके लिए वो खुद बात कर रहे थे कि 2002 का कानून अच्छा है, उस कानून को वापस लाया जाए। यही कानून पंजाब में भी नाफिज़ुल अमल है और पंजाब में इस पर काम हो रहा है। सिंध क्या कोई अलग मिट्टी से बनी है? ये ज़मीन के जो चीज़ और जगह पर नाफिज़ुल अमल है यहाँ पे नहीं हो सकती और यहाँ पे सियासी दबाव और सियासी बातें हो जाती हैं, बिल्कुल गलत है। हुकूमत का काम है, हुकूमत ना सिर्फ पुलिस में पूरी ब्यूरोक्रेसी में लोग उसको मैंडेट, लोग उसको वोट इसीलिए देते हैं कि वो लोगों की खिदमत की, लोगों की खिदमत के लिए होता है। अगर ये हो जाए ब्यूरोक्रेसी के हवाले ये चीज़ें तो उससे ये प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं और ये प्रॉब्लम्स पिछले 6-8 महीने में बहुत ज़्यादा हुए हैं। जो वारदातें हुई हैं कराची में या पूरे सिंध में
जिसके ऊपर बड़ी, अब मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा इसलिए कि वो एक बात काफ़ी बार कर चुका हूँ, असेंबली में भी कर चुका हूँ, उसकी वजह से ये ज़रूरी समझा गया कि पॉलिटिकल या गवर्नमेंट ओवरसाइट इन पे होनी चाहिए। और क्या किया हमने, गवर्नमेंट ओवरसाइट की है, गवर्नमेंट के जो इलेक्टेड नुमाइंदे यानी आवाम के नुमाइंदे वो फैसले करेंगे, उसके अलावा पब्लिक सेफ्टी कमीशन्स बनाई हैं प्रोविंशियल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिविजनल लेवल पे, जो कि पुलिस के एक्सेसेस को चेक करेंगी। क्या ये कोई गलत बात है? बिल्कुल गलत नहीं है, और अगर कोई समझता है ये गलत है तो बिल्कुल, मैं नहीं कहना चाहता उसके बारे में, तो उसका लीडर खुद ही पहले कह चुका है क्यों रखा हुआ है, उसको किस हैसियत में रखा हुआ है पता नहीं है, उसकी बात छोड़ें। बहुत तफ्तीश तशवीश की बात है जो एड्स के पेशेंट्स लाड़काना में आए हैं, उसका जो कारण है या उसकी जो हुआ है, लेकिन इमीडिएटली हुकूमत सिंध, इसलिए कि तफ्तीश सिर्फ यहाँ पे बात करने से नहीं होगी, ग्राउंड पे काम करने से होगी, इमीडिएटली टीम्स आ खान यूनिवर्सिटी को हमने कहा, आ खान यूनिवर्सिटी वाले ग्राउंड पे बैठे हैं उधर, बाकी लोग हैं, ताकि टेस्ट करके उसकी नौइयत देखें कितनी सीरियस ये बात है। हमें ज़रूरी है कि हम एड्स या HIV, एड्स तो पहले HIV का वायरस आता है, HIV के फैलाने की जो वजूहात हैं लोगों को उससे बताएं, ताकि लोग खुद अगर किसी जगह पे जाएं, ये भी इशू यही हुआ था ना, जो शुरुआत पता चली थी कि वो सिरिंज किसी एक जिस अगर HIV पॉजिटिव किसी की किसी और को इस्तेमाल की जाए तो उस तरीके से फैलता है, तो ये ज़रूरी है कि अवेयरनेस इस पर फैलाई जाए। हुकूमत सिंध बिल्कुल करें, मैं कह रहा हूँ ये तशवीश की बात है, और इस पर हमने इमीडिएटली एक्शन लिया है। बाकी सियासी बयान देने से अगर एड ख़त्म हो जाएगी तो फिर वो मैं भी बहुत सारे दे सकता हूँ, इस तरीके से मैं इस चक्कर में नहीं जाता हूँ कि रेलवे का पता नहीं 28 अरब रुपए का खसारा हुआ है, मैंने सुना है, तो मैंने अखबारों में सुना है, आपने मुझे नहीं पता है, मेरा वास्ता नहीं है, शेख रशीद उसको चलाना चाहें डुबोना चाहें वो उनकी मर्ज़ी है, वो करें, जैसे कि बाकी मईशत के साथ उन्होंने हालत की है उसकी कोई बात ही नहीं है, लोग जो है वो महंगाई के बोझ के दले जो दब के मर रहे हैं उसके बारे में ख्याल करें। हाँ, ये हमारा जैसे मैंने कहा जिम्मेदारी हुकूमत सिंध की है, हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, और इंशाल्लाह ताला जो भी इस पे एक्शन लेने होगा हम लेंगे निज़ाम को, कि उसमें जो बेहतरी ला सकें, इसलिए कि हमारे भी 4 साल के एक्सपीरियंस है, जो प्रॉब्लम्स हम खुद चाहते हैं कि थर्ड टीयर हुकूमत और पावरफुल हो, और उस सिलसिले में हमने सलाह मशवरे आपस में शुरू किए हैं, और अभी साल सभा बाकी है, और इंशाल्लाह ताला जो बेहतरी बल्दियाती कानून में लाई जा सकी, कोई भी कानून फाइनल तो नहीं होता, वो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत फैसला करेगी कि एहतजाज किस तरीके से करना है। सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और हम ताबे हैं अपनी लीडरशिप के हिदायत पे, जो हिदायत देंगे उस तरीके से।